अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पनामा केस में नज़रसानी की अपील जो दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी पहली समात आज हुई है, और 5 रुकनी एक बेंच सुप्रीम कोर्ट में कायम किया गया है जो इस की हियरिंग करेगा, समात करेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज़ है कि जो बेंच जिसने ये फैसला किया था, वो बेंच उसमें 5 जजेज़ नहीं थे, और 5 जजेज़ जो अब शामिल किए गए हैं उनको इसके ऊपर कानूनी एतबार से एक एतराज़ उन्होंने उठाया हुआ है। इसी पे आज ये बहस हुई है, और लेकिन लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच नज़रसानी के लिए कायम किया है, उसने PMLN के जो वकला हैं उनका दलील या उनका आर्गूमेंट जो है उस तरह से कबूल नहीं किया। उनका ख्याल है कि वो जो 3 रुकनी बेंच था वो तसलसल था उस 2 रुकनी बेंच का जिसने फ़ैसला किया, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया था तो उस वक्त क्यों सुप्रीम को PMLN के वकला ने उस वक्त क्यों नहीं ये मामला उठाया और इस पर एतराज़ नहीं उठाया। ये मामला भी चल रहा है, मज़ीद समातें होंगी और पता चल सकेगा कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला के पास कोई नया आर्गूमेंट है, कोई नई ग्राउंड है जिस पे वो नज़रसानी की अपील के तहत एक रिलीफ जो है सुप्रीम कोर्ट से हासिल कर सकेंगे या नहीं, इस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। मैं आपसे अपने मेहमानों का तारफ करवाता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब चौधरी असदुर्रहमान साहब, एक वेटरन पॉलिटिशियन है, और हम उनको 80 की दहाई से, बल्कि 90 की दहाई से शुरू से कौमी असम्बली का रुकन देखते चले आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब अमजद अली ख़ान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब बरस्टर मसरूर शाह साहब, और ये माहिर कानून हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और इनकी इनपुट लेंगे कि क्या इम्कान हैं नज़रसानी की अपील जो है उसके नतज क्या हो सकते हैं। आपसे मैं इस्तफ़ार करूंगा जो साहब, के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस एतमाद के साथ या किस तवक्को के साथ ये नज़रसानी अपील दायर कर रही है? अमूमी तौर पर यह तस्वर किया जाता है कि नज़रसानी की जो अपील है उसमें अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना हो तो मुमकिन नहीं है कि वो फैसला जिसके ख़िलाफ़ ये नज़रसानी की अपील दायर की जाती है उसको तब्दील कराया जा सके। देखिए, ये बात तो सही है। असल में हुआ यह है कि ये एक, मैं समझता हूँ, बदकिस्मती की बात है कि सारी दुनिया में ये समझा जाता है कि हर शख्स का, चाहे उसके ख़िलाफ़ जितना भी संगीन इल्ज़ाम हो और जितना भी संगीन मुकदमा हो, एक राइट ऑफ अपील उसका बर्थ राइट है। ये इस निज़ाम में और हर जगह इसको तस्लीम किया गया, और इसका फ़लसफ़ा ये है कि कोई भी जो है इंसान जब फैसला करता है तो उसमें गलती का इम्कान इस्तेमाल होता है, इसलिए राइट ऑफ अपील ज़रूर होना चाहिए। हमने देखा है, थोड़ी बहुत वकालत मैंने भी की है, कि एक फैसला सही जज करते हैं, हाई कोर्ट उसको बदल देती है, फिर हाई कोर्ट का फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट बदलती है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बदलता है। लेकिन बदकिस्मती से 1843 के तहत जो फैसला किया गया है इसमें राइट ऑफ अपील मौजूद ही नहीं है, इसलिए किसी के पास जो एग्रीव पार्टी है और कोई हल ही नहीं है कि वो उसके नज़रसानी की दरख्वास्त दे दे, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई कानून में इसका हल नहीं है। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि एक 1843 का ये इस्तेमाल किया गया है, और उसमें यानी होना जो नॉर्मल जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है जिसके तहत ये फैसले होने हैं उसको बाईपास कर दिया गया, और 184 के इस्तेमाल पे कितना ऐसा फैसला दे दिया गया। जब आप 1843 की जो ज्यूरिसडिक्शन है कोर्ट की, जब ये सारा मामला शुरू हुआ, पनामा केस जब हियरिंग शुरू हुई, उस पर भी आपने इतराज़ नहीं उठाया कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती या दायरा समाज से बाहर है ये चीज़? आपने उसको वेलकम किया था। जी, हमने वेलकम नहीं किया,
लेकिन वेलकम नहीं किया, बल्कि लेकिन ये है कि ये फैसला जो था कि हम इस पर एतराज़ नहीं करेंगे, ये एक सियासी फैसला था, मेरे ख्याल में कानूनी फैसला नहीं था। ठीक है, ये एक सियासी फैसला किया कि अगर हमने कहा कि हम इसको नहीं मानते तो इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा पब्लिक ओपिनियन पे भी, शायद इनके पास कोई ऐसा केस नहीं है जिसको, ऐसी बात है जिसको छुपाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये किया गया, ये एक पोलिटिकल फैसला था, कानूनी नहीं। चलें देखते हैं तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं कि PMLN जो है कोई रिलीफ ले सकेगी पनामा केस में? आपने, आपकी पार्टी ने, इमरान खान साहब ने बेपनाह मेहनत की और बड़ा इसको विगरेसली परसू किया, और आप क्रेडिट भी ले रहे हैं कि ये फैसला आपकी मेहनत का नतीजा है या आपकी कंसिस्टेंट कोशिशों का नतीजा है, तो क्या ख्याल है आपका कि ये इसका नतीजा क्या हो सकता है जो नज़रसानी अपील दायर हुई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जिस तरह कल साहब ने कहा कि 183 के तहत जो है इस 183 के तहत इसको सुना गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों का तायुन कर दिया गया कि ये इसके मेरिट्स क्या होंगे। फिर जैसा कि आपको मालूम है कि पनामा का फैसला आ गया, क्योंकि पहले आज कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जो अपने इब्तदाई रिमार्क्स में बात की है, क्योंकि जजेस की तरफ से जो उठाए गए एतराज़ थे, तो कोर्ट ने बड़े वाजे किया है कि ये तसलसल था, जजेस ने जो पहला फैसला दिया जिसके नतीजे में JIT बनी, JIT की रिपोर्ट के बाद फिर जो फैसला है, ये थ्रू आउट, वो कहते हैं ये एक ही उसके कड़ी उसके, है। उसके एक मुकम्मल तरीनों ने कहा जी कि आर्डर वही होता है जो उस दिन जारी किया जाए, तो कानूनी तौर पे उन्होंने वजाहत कर दी है कि अपने इब्तदाई रिमार्क्स में कि हम जिस जो चीज़ का तायुन करना था हमने, कोर्ट ने उसकी वजाहत की है। अब नई चीज़ उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि मकसद जो है वो कौम की आंखों में धूल झोंकना है, बेसिकली कोर्ट्स ने इंतहा की कोशिशें की है। लेकिन ये देखे ना, इन्होंने शुरू से ही देखे कोशिश की है, अपनी रिजर्वेशन पहले अपनी रिजर्वेशन का इजहार तो इन्होंने शुरू से किया था, देखिए मुख्तलिफ मराइल पे जो इनके वकला हैं दलीलें तो देते रहे, मकसद था वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सके, कोर्ट को कहना पड़ा कि जी आप फेक डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, JIT के सामने ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट के आगे ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सके। अब ऐसा क्या उनके पास अलादीन का चराग है? देखिए सिंपल सी बात थी, मियां साहब ने उस बेंच की तश्कील के ऊपर एतराज कर रहे हैं कि उसमें एक कानूनी सखम है, इसमें बात टेक्निकलिटीज की कर रहे होंगे ना, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोर्ट ने वो भी अपने इब्तदाई रिमार्क्स में जो बातें कर दिए, चाहिए कौम तो ये जानना चाहती थी कि ना कि कौम का पैसा ये दुबई से और दुबई से मुख्तलिफ और फिर मनी ट्रेल जो है वो किस तरह दिखाएं, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। चले तो उसके नतीजा ये हुआ और मैं जी अक्सर जो बात होती है कि जी हमें अकामा पे डिस्क्वालीफाई, देखिए उस अकामा के नीचे जो अकाउंट्स बनाए गए जब उन बैंकों में पैसा और वहां से जो निकल के दुनिया में गया, वो कुछ थोड़ा पैसा नहीं है, वो 300 अरब रुपए है, तो ये भी तो बताए ना वो 300 अरब रुपया मियां साहब कहां से लेके आए। बड़ी डिस्कशन हो चुकी है और शायद आइंदा भी होगी, लेकिन हम शरीक गुफ्तगू करते हैं बैरिस्टर मसरूर शाह साहब को और उनकी राय ये लेते हैं कि शाह साहब क्या आपको फील हो रहा है कि जो कोर्ट जो है वो डटी हुई है, उनका कहना है कि ये जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया था ये उसी 2 रुकनी बेंच का एक तसलसल था, और वो जो 5 जजेस जो आज बैठे हुए समाअत कर रहे हैं ये फैसला उनका मुतफिका फैसला था, और ये कि फैसले की टेक्निकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बुनियादों में फ़र्क हो सकता है, लेकिन इत्तफाक राय से ये फैसला हुआ था। देखिए बात यह है कि एक तो हमें ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है कौम जान ले कि सुप्रीम कोर्ट और गांव के एक पंचायत में बड़ा फ़र्क होता है। सुप्रीम कोर्ट कानून और आईन के मुताबिक फैसले करती है और वो भी बाउंड है आईन के और अपने प्रोसीजर और रूल्स उसके मुताबिक। अब इस फैसला जो आया है उसमें नेचुरली ये पाकिस्तान में बड़ा एक नॉवल किस्म की बात थी
कि पहले 5 रुकनी बेंच बैठा, फिर उसके बाद 3 रुकनी बेंच बैठा। अब 3 रुकनी बेंच क्यों बैठा था? वो बैठा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो ऑब्जेक्शंस आए थे जीआईटी रिपोर्ट के ऊपर वो उन्होंने सुने। अब सुनना जरूरी है तमाम जजेस का जो फैसला करते हैं, बेशक वो बाद में उसको पूरे का पूरा रद्द कर दें या पूरे का पूरा एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उन जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान जो बेंच का हिस्सा नहीं थे, जो आखिरी दिन आके बैठे, उनका उस बेंच में होना मेरी नाकिस राय के मुताबिक जरूरी था। एक गुजारिश सुन ले, बाद में फैसला जो भी करे, वो फैसले की जो एंड नतीजा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोसीजरल इंप्रोप्राइटी है उस पर काफी लॉ है कि अगर एक फैसला एक अदालत करती है लेकिन वो जो राइज तरीकाकार है, जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो ना करे, तो वो फैसला ही विशिएट हो जाता है, वो फैसला कलदम हो जाता है, उसकी वो हैसियत नहीं रहती। एक तो ये बात है, क्योंकि अगर वो जो बाकी जो मौजूद जज साहिबान है उन्होंने तो ऑब्जेक्शन सुने नहीं, क्या पता वो ऑब्जेक्शन सुन के वो कन्विंस हो जाते कि जेआईटी की रिपोर्ट को हम रद्द करते हैं और इनकी जो गुजारिशात है, जो ऑब्जेक्शन है, वो ठीक है। ये भी तो आपका ख्याल है कि ये कितना सब्सटेंशियल है, ये जो पॉइंट पीएमएलएन उठा रही है अपने वकला के? पॉइंट्स तो जजमेंट में इसके अलावा भी बड़े सब्सटेंशियल हैं, जिस तरह अभी हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई ने कहा कि जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट है उसमें इस फैसले में उसकी उसको मद्देनजर नहीं रखा गया, और उसके काफी वजूहात है। एक तो जो सुपरवाइजरी जज साहब का रोल है, अब आप अगर एक नैब को केस भेज रहे हैं कि आप इसकी तफ्तीश करो, और तफ्तीश में बेशक मुलजिम बहुत अच्छे अपनी बेगुनाही के सबूत भी रहे, लेकिन रेफरेंस जरूर फाइल करना, ये हो गया। इसी तरह और ऐसे काफी चीजें हैं, राइट ऑफ अपील नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हम अभी बैठे हुए हैं रिव्यू में, और रिव्यू में जिस तरह आपने भी एक इशारा दिया अपने इब्तदाइया में, स्कोप बड़ा लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत कम, 1% एक अगर साल में 100 रिव्यू फाइल होते हैं तो 1% से भी कम रिव्यू अलाउ होते हैं, वो भी पार्शली। तो मसला ये है कि अगर तो अपील में बैठे होते हैं, अपील में कोर्ट के पास बहुत इख्तियार होता है, आजाद होते हैं, वो सारी एविडेंस को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, सारी बहस को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। यहां पे चूंकि स्कोप बड़ा लिमिटेड है तो मुझे कोई इतना सब्सटेंशियल रिलीफ मिलता हुआ नून लीग के लिए नजर नहीं आ रहा जी। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक इनका ऑब्जेक्शन ये है कि जो निगरानी के लिए जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का नैब के केसेस में, उस पर भी इनको एतराज़ है, जबकि बाज़ कानूनी हल्के कहते हैं कि इसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, ये पहले भी होता रहा है, दुनिया में भी होता है, एक निगरानी का जज निगरानी करने वाला मुकर्रर हो सकता जी, है, बिल्कुल होता है। क्या व्यू है आपका? जी देखिए, वो निगरानी होती है कोर्ट्स की, जैसे दहशतगर्दी के मुकदमात की निगरानी के लिए हाई कोर्ट्स में जज साहिबान मुकर्रर होते हैं, वो ओवरऑल कोर्ट्स की निगरानी करते हैं। यहाँ पर इवन सबॉर्डिनेट जुडिशरी हाई कोर्ट निगरानी करती है सब जुडिशरी की, सेशन जजेस साहिबान की भी निगरानी होती है, लेकिन किसी तफ्तीश की निगरानी के लिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहब को मुकर्रर करेंगे तो उनका रोल बन जाएगा चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फिर वो तफ्तीशी सबसे बड़े तफ्तीशी अफसर हो गए। तो अगर एक तफ्तीश, एक शहादत सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहब की निगरानी में शहादतें जमा हुई, चालान जमा हुआ, रेफरेंस जमा हुआ, किसके सामने? एहतसाब अदालत के सामने, और एहतसाब अदालत जो है वो सेशन। वेलकम बैक, हमारी गुफ्तगू जारी है। जो नजरसानी अपील दायर हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पनामा केस के फैसले के खिलाफ, उस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। हमारे मेहमान उस पर अपना तबसरा और तज्जिया जो है वो पेश कर रहे हैं। आपका ख्याल है कि कोई रिलीफ आपको मिल सकता है इसमें? यानी जैसे कि शाह साहब ने कहा कि इम्कानात कम हैं नज़रसानी अपील के अंदर, लेकिन कोई आपको रिलीफ मिल सकता है? जैसे कि आपने ये इशू ज़रूर उठाया है कि फेयर ट्रायल का जो हक है मियां साहब का, नवाज शरीफ साहब का, वो उनको मिलना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस हैं उनको कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। देखिए जी, उम्मीद तो बहरहाल है, तो नज़रसानी की अपील दायर, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हुई है, लेकिन जैसे शाह साहब ने कहा, मैं भी थोड़ा सा चूँकि कानून से मेरी वाकफियत है, थोड़ी देर वकालत की है, कि रिव्यू में चूँकि वही जजेस अपना फैसला के ऊपर रिव्यू कर रहे होते हैं, तो इम्कान ज़रा कम होते हैं कि वो अपना फैसले में कोई तब्दीली करेंगे।
अगर ये अपील होती तो फिर मैं समझता था कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान थे कि ये फैसला बदल दिया जाता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, राइट ऑफ अपील, जो सजाए मौत जिसको हो जाती है कत्ल के केस में भी, उसको भी कम से कम एक राइट ऑफ अपील सारी दुनिया में उसका फंडामेंटल राइट समझा जाता है। या एक इतना बड़ा एक फैसला आया कि जिसमें एक शख्स जो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर है, जो लीडर ऑफ द हाउस है पार्लियामेंट का, और जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाया है, उसको सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और उसका राइट ऑफ अपील भी कोई नहीं है कि वो एक अपील कर सके इस फैसले के खिलाफ। ये बहुत बदकिस्मती की बात है, और यार इस पर मैं समझता हूँ कि हमेशा तारीख में ये बात इसको ये डिस्कस किया जाएगा कि ये क्या ऐसा होना चाहिए था। अब ये लेकिन फिर भी जो बातें और हुई हैं कि हम मॉनिटर करेंगे कि इसको नैब दायर किया जाए, ये तो एक तो वैसे भी ये चीज़ कभी नहीं होती कि इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट से मॉनिटर किया हो। इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ है, कोर्ट का काम अलग है। फिर उसका यह है कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होगी, यानी ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करें। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, विशाल खान का केस हुआ जो कत्ल हो गया था, बहुत बहुत इशारा में जो हुआ, वहाँ पर 184(3) के तहत नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन उसके बाद ये देखा कि तफ्तीश हो रही है तो उसको कर दिया कि ठीक है आप नॉर्मल प्रोसीजर जो लॉ का है वो ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम ना सिर्फ इसको ये रेफरेंस दायर किए जाएं, ये मैंडेटरी हो गया, यानी उनके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है कि वो इस केस को समझे कि ये रेफरेंस दायर होने के काबिल नहीं है, एविडेंस काबिल नहीं है, उनके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं है। वो भी डिस्क्रेशन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने खुद इस्तेमाल कर ली, और फिर कहा कि जो ट्रायल होगा उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। तो फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट जो है सारी दुनिया में उसके ये खिलाफ है कि जिनके पास अल्टीमेटली अपील जानी है, अल्टीमेट अपील तो फिर अगर साहब का उसका फैसला है तो अल्टीमेट अपील तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही उसको मॉनिटर कर रही है। वो उनका अपील वो कहते हैं ना कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड सीम टू हैव बीन डन। तो ये एक महसूस आदमी करता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, एंड ही इज बींग डिस्क्रिमिनेटेड, यानी क्या तमाम जो नैब के केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग इसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, या इसी केस को सिंगल आउट किया जा रहा है कि इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। आप ये बताएं जैसे साहब, आपके ख्याल में आप माशाल्लाह सीनियर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, कानून का पस मंज़र भी है आपका, प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रहे, कि कहीं किसी स्टेज पर आपके जो वकला थे उन्होंने इस केस को मिसहैंडल किया, या उन्होंने प्रॉपरली मियाँ साहब को या उनके जो करीबी रफ़ाक़ा हैं उनको ब्रीफिंग नहीं दी? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े वकला थे, मखदूम अली खान साहब, ख्वाजा हारिस साहब, और राजा साहब सलमान अकरम, राजा अकरम साहब और शाहिद अहमद साहब, इन लोगों ने किसी स्टेज पे, शेख अकरम साहब ने भी किया, ये बहुत बड़े नाम हैं। मैं नहीं समझ सकता, मैं इस तरह तो मैंने केस में इन्वॉल्व नहीं रहा कि मैं देखूं कि उन्होंने किसी स्टेज पे गलती किया। मेरे ख्याल में उन्होंने आर्गूमेंट्स में या इसको केस को हैंडल करने में, आप कह सकते हैं जब जिस स्टेज पे वकला एंगेज नहीं किए गए उस स्टेज पे इनसे को गलतियां हुई हों प्राइम मिनिस्टर से, उनकी फैमिली से, ये और बात है, लेकिन जब उन्होंने अदालत में जाके केस हैंडल किया तो मैं नहीं समझता कि आर्गुमेंट्स के एतबार से या एविडेंस सही उन्होंने किया है, लेकिन जो कुछ हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये जो कुछ हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है कि जेआईटी बनाई जाए, और जेआईटी भी जिस तरह वो बनी और जिस तरह उस पर भी सवाल उठे, जेआईटी की जो कंपोजिशन पे सवाल था, जिस तरह वो लीक हुई उनकी तस्वीर लीक हुई, और जो उसके बाद वाकयात हुए, ये सारे ऐसे थे जिन्होंने इसको बड़ा एक ऐसा बना दिया जिसमें कोई आदमी ये समझ सकता है कि शायद उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन अपोजिशन का काम, आपकी जमात जो है, एक इमरान खान साहब ने एक जगह कहा है कि अब जरदारी की बारी है, फिर पीछे हट गए हैं कोई उस पर, उन्होंने कहाँ पीछे हटे? अच्छा, आप उस पर कायम है अभी के ये जरदारी? हम कहाँ पीछे हटे, हम तो डे वन से जो हमारा स्टांस है आज भी है, कल भी, और आने वाले वक्त में भी वही होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान बने जहां पे सबका एहतसाब हो, रूल ऑफ लॉ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पाकिस्तान में इदारों की बेहतरी हो, इदारे अपने पैरों पे खड़े हों। अब क्या बात करते हैं, हम कभी किसी के, हम किसी के पर्सनल खिलाफ नहीं है, ना हमारा कोई एजेंडा है कि हमने किसी को माइनस करना था,
हमने हक के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान के लोगों का पैसा लूटा गया, मियां साहब नहीं प्रूव कर सके। हम तो सादा सी बात थी, सादा कोई इतनी लंबी चौड़ी इंग्लिश नहीं। जब तक देखे ना बाकियों को सजा नहीं मिलती या दूसरे लोग जो इसमें क्या गवर्नमेंट लोग ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया, क्या गवर्नमेंट ने अपना फर्ज पूरा किया? बाकी दुनिया के ममालिक जो हैं जहां जिनके नाम आए हैं उनके ममालिक उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनके टैक्स जो निजाम है उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं कर रहा? बैरिस्टर साहब के पास चलते हैं। ये जो आपने कहा कि फेयर ट्रायल उनका राइट है, एक और इशू इसमें है कि FZE जो कंपनी है उसके मामले में भी इनके वकील ने आज कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया और इस पर भी हमें रिलीफ नहीं मिला। आप इस पर क्या व्यू रखते हैं ये FZE का जो मसला है? देखिए, कोई भी फाइंडिंग हो, जब कोई कोर्ट फाइंडिंग देती है किसी बात पर, तो जो आर्टिकल 10A के जो असूल हैं फेयर ट्रायल के, वो फाइंडिंग जब तक एक क्रॉस एग्जामिनेशन के मरहले से मुल्ज़िम को उसके दिफा के वो स्टेटमेंट्स उसके हवाले करे, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन करे, जब तक उस मरहले से वो डॉक्यूमेंट्स या वो कागज़ या वो सबूत ना गुजरे, वो सबूत ही नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन होती है। अब नैब की केसेस में डील करता हूँ, ये तो बड़े 10 वॉल्यूम है, मैंने 17, 18 वॉल्यूम के रेफरेंसेस देखे हैं। लेकिन जब हम उनको कन्फ्रंट करते हैं नैब के आईओ के साथ कटहरे में, तो वो छोटा होके 5 सफ़े नहीं बन जाते, क्योंकि उसमें एडमिसिबिलिटी का भी इशू है, कौन लेके आया उस खत को वहाँ से UAE की गवर्नमेंट से, कैसे प्रोक्योर हुए, उनकी ऑथेंटिसिटी की क्या है। मैं ये नहीं कहता कि वो जेन्युइन नहीं है, हो सकता है बिल्कुल जेन्युइन हो सकता है बिल्कुल नवाज शरीफ इन्वॉल्व हो उसमें, लेकिन एक कानून के एक तालिबान की है। अच्छा, एक और इशू भी है शाह साहब, कि ये कहते हैं कि केस तो पानामा का था और ये एक इसकी पोलिटिकल कनोटेशन है, पोलिटिकली वकामा बन गया, ये क्या है? देखिए, असूल अगेन फिर कानून का एक ये है कि जो प्रेयर होती है, जो इस्तेदा कोर्ट से की जाती है पिटिशन में, उससे बियॉन्ड कोर्ट नहीं जाती। मतलब आप अगर अपने घर के किराएदारी से खाली कराने का केस हो, साथ में साथ वो खुला का भी कर दे के चलो तुम्हारी बीवी भी तलाक हो गई साथ साथ, ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये भी इशू है, दूसरी बात ये है कि ये तो मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट ही मुझे बड़ा अजीब लगता है। 184(3) फंडामेंटल राइट्स की पिटिशन होती है, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हजार हाँ केस ऐसे मौजूद हैं कि 199 और 184(3) में जहाँ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ये जो इशू है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मगर बहुत से लोग कानूनदान भी सियासी हल्के भी ये कहते हैं कि उस वक्त जबकि ये पिटिशन दाखिल की गई तो PMLN ने या हुकूमत ने या ये जो फरीक है इन्होंने तमाम चीज़ को इन टोटो एक्सेप्ट कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया आपने जी। देखिए, कानून ये भी है कि अगर एक कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो तो दोनों फरीक इन राइटिंग एक्सेप्ट भी कर लें तो कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं रहेगी। अच्छा। मिसाल के तौर पर मैं कत्ल का केस है और उसको दोनों फरीक फैमिली कोर्ट में ले जाएं, राइटिंग में भी दे दें कि जी आप ही जज साहिबा ये फैसला कर दें, कोर्ट के पास इख्तियार नहीं आएगा। इख्तियार कानून या आईन कोर्ट में, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर PMLN इस तरफ क्यों नहीं जाती? अब ये चैलेंज कर सकते हैं। अब वो बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। अच्छा, अभी अब उस वक्त उन्होंने नहीं किया बल्कि राइटिंग में किया था। अब वो पता नहीं, मैं आपको ही बताया ना कि इल एडवाइज उस वक्त शायद, देखे वो कॉन्टेक्स्ट देखे, ये पिटिशन तो फारिग हो गई थी, रजिस्ट्रार साहब ने नहीं एंटरटेन की थी, लेकिन इस्लामाबाद पे हमला होने का खतरा, मोटरवे पे क्या हो रहा था, इमरान खान साहब खुद तो बनी गाला में आराम से बैठे हुए थे, नीचे गरीब वर्कर बेचारा मार खा रहा था, कि उनको खुद एक बयान आया कि मुझे कहा गया कि पिटिशन लेके, बहरहाल पिटिशन आई सुप्रीम कोर्ट ने रोल प्ले किया, उन्होंने जज साहब ने कह दिया था कि वो वहां पे बात कोर्ट के अंदर बात हुई थी, बहरहाल। लेकिन कोर्ट अगर उस वक्त इंटरवीन ना करती तो शायद इससे भी बुरे हाल होते, इंटरवेंशन से ये एटलीस्ट ये खतरा टल गया। ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर कि कोर्ट भी ऑब्लिवियस नहीं होती जो अपने आसपास व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड एग्जैक्टली, बाहर आग लगी हो कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर, तो कोर्ट बेहिस नहीं हो सकती, एग्जैक्टली नहीं हो सकती। खान साहब आप कुछ कह रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात हुई। देखिए, मेरे भाई ने कुछ बातें की हैं, पहली बात यह है कि खान साहब अपने वर्कर के साथ थे और हम सब अपने वर्कर के साथ, और जो कुछ फील्ड में
पुलिस इवन पुलिस मेरे घर में दाखिल होकर मेरे मुलाजमों को उठा के ले गई और पूरे पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ और फिर मैं उस इंटर मोटरवे पे मैं मौजूद था। इवन जिस तरीके के साथ हम पे शेलिंग की गई, अपने बदतरीन मैं समझता हूँ अपने जो आपके मुखालिफ ममालिक हैं वो भी इतना नहीं करते जो आपके वहाँ पे हमने फेस किया। और जिस तरह बनी गाला को सील किया हुआ था लोगों के वहाँ पे खाने के लिए मसला, खान साहब तो पूरे वर्कर्स के साथ डे एंड नाइट वर्कर्स के साथ खड़े थे और इनका कहना कि जी वो बनी गाला में नहीं नहीं वो ये कह रहे हैं कि शायद चल रही थी ये एक आउटसाइड दी कोर्ट जो माहौल था वो उसकी वो बात। और दूसरा जब पटिशन गई तो वहां पे कोर्ट के अंदर बात हुई थी और उसकी खान साहब ने भी और तरीके इंसाफ ने ऑलरेडी उसकी वजाहत कर दी। वो तो ठीक है बात है वही कहा कि जब हालात ऐसे हो कोर्ट भी उससे मुबरा नहीं रह सकती अपने आसपास के हालात से, तो अगर ये कोर्ट में ना होता तो मामला और बिगड़ जाता सड़क पे। हकायक से नजरें नहीं चुरानी चाहिए, ये ठीक बात है। मैं हमारे कुछ मेरे भाई जो मैंने कहना चाहूंगा इनकी दानिश में इनकी दानिश्वरी में मैं शक नहीं करता, लेकिन हकायक से नजरें मत चुराए। ठीक है, वाम ने यानी इंटेलिजेंसिया ने कबूल नहीं किया, यानी इस मुल्क के जो बड़े बड़े कानूनदान हैं जुरिस्ट हैं उन्होंने कबूल नहीं किया और ना ही इस मुल्क के अवाम ने कबूल किया। ये फैसले पे जो मर्जी के अरबों की करप्शन होगी कुछ भी साबित नहीं हुआ। जो फैसला आया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ एसेट्स के एसेट्स की डेफिनेशन क्या है, अब वो रोपा जो है कानून रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें जो है एसेट डिफाइन ही नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ ए डिक्शनरी। ये पता वो कहते हैं कि उस डिक्शनरी में भी ये डेफिनेशन है या नहीं है कि जो रिसीवेबल है इट इज एन एसेट। मिसाल के तौर पे शाह साहब को अगर कोई मेरे जैसा क्लाइंट मिल जाए जो इनसे केस करवा ले और फीस ही ना अदा करे तो क्या इनकम टैक्स में अपने एसेट्स में वो शायद इनको बताना चाहिए कि मेरे ये एसेट है कि मेरी ये फीस मार गया अस्तुरहमान, तो या मुझे मुझसे कोई फसल खरीद ले कोई मेरी प्रोड्यूस खरीद ले और वो उसकी पेमेंट ही ना करे तो मैं भी उसको एसेट में ना अदा करूँ तो मैं भी डिस्क्वालीफाई हूँ। तो इसमें बात आज भी बात हुई है कोर्ट में, एक तो ये मैंजरिया नहीं है, क्या उनकी कोई गिल्टी टेंशन भी है, उनको इस फैक्ट को छुपाने में क्या फ़ायदा था मियां नवाज़ को अगर वो समझते वाकई कि जो तनख्वाह है जो मैंने ली नहीं उसको अगर वो जाहिर कर देते अपने एसेट में तो उनको क्या नुकसान होता, किस वजह से जाहिर है कि ये एक करप्शन भी साबित ही नहीं होगा। सियासी एतबार से आपको कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि इसका फायदा होगा। देखिए बात यह है कि मुझसे पूछा था एक दफा एक प्रोग्राम में किसी ने कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब ना रहे उस वक्त अभी प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर मैंने कहा जी ये कोई बात नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि एक ज्यादती है, ज्यादती होगी किसी आदमी को बगैर किसी वजह के, उनका एक फंडामेंटल राइट ऑफ टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड होल्डिंग ए पोलिटिकल ऑफिस, ये उससे डिनाई कर दिया जाए, उनके जो इलेक्टोरेट है जो उनको वोटर्स हैं उनको भी डिनाई कर दिया गया। खान साहब ये एक मिनट में आउट करता हूँ, ये उनका जाती नुकसान तो है जिसका हमें भी अफसोस है क्योंकि वो हमारी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन पॉलिटिकली इसका कोई नुकसान नहीं होगा। हुकूमत आप देख लें उस वक्त से लेके हुकूमत पंजाब की भी चल रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी चल रही है और किसी को कोई इतराज नहीं है कि इनसे मैं एक बात करता हूँ, ये इनके लीडर की तरह ये हम नहीं कहेंगे कि मेरे पास तो सारे खोटे सिक्के हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम 2013 में इलेक्शन हार गए और हमने बेड़ा गर्क कर देते हैं इस मुल्क का, कुछ नहीं ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। अमजद अली खान साहब लोग हैं इस पार्टी, आपका क्या ख्याल है, ये कहते हैं कि सियासी एतबार से हमें अगर ये अपील मुस्तरद भी हो गई नजरसानी की तो हमें नुकसान नहीं होगा। चौहरी साहब एक सादा आदमी है लेकिन मुझे हैरानगी है कि ये सच क्यों नहीं बोल रहे, इन्हें मालूम है और सच कहने में फर्क है। देखिए ये सच्ची बात मुझे तवक्को थी कि ये सच्ची बात कहते, क्यों कि इसलिए कि इन्हें मालूम है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा जो पार्टी का लीडर है उस पर देखिए कोर्ट कहती है सिसिलियन माफिया गार्ड फादर करप्ट, वो कहते हैं इससे फर्क चोर नहीं, वो कहते हैं इस पे फर्क नहीं पड़ेगा ना चोर कहा है ना कुछ और कहा। अच्छा, है देखे और ये सादिक और अमीन ना किसी ने ना चोर कहा है, सादिक और अमीन ना होना इसी के उसके
उसकी साधो मीन जो है एक शख्स जिसने कभी नमाज ही ना पढ़ी हो वो तो ठीक है, उसको ईद की नमाज ना पढ़नी आती वो तो ठीक है, वो सादे का मीन है, वो बहुत अच्छा मुस्लिम है। देखिए पुलों के नीचे से पानी गुजर, जो उसके बच्चे भी यहूदियों के पास के के जहन में ये बात हो और जिसकी कोर्स में वो तो लोग है ना हमें सपोर्ट करेंगे, ये तो सच बोल रहे हैं। हल्के में जाएंगे ना कैंपेन के, हम रोज हल्के में होते हैं हमें पता है, तो इनको लग पता जाएगा कि हमारे हम कहां खड़े हैं, पता चल जाएगा ये तो कहते हैं 120 में भी आपको बताएंगे, दो चार दिन की इतनी बड़ी जो अदालती फतह आपको हासिल हुई है, कितनी दफा जीते हैं वहां की आवाम को उन्होंने क्या दिया है, आज भी गंदा पानी पीने पे मजबूर है गंदा पानी, आज भी वो उनकी जो गलियों की और खैबर पख्तूनख्वा में शायद दूध शायद की नहरें बह रही हैं, इतनी दफा मियां साहब वहां से इतनी दफा जीते हैं, खुदा के उनके लिए कुछ तो किया होगा, जीतेंगे देखिए भी जीतते रहे पंजाब, फिर मुझे मालूम है आज अरबों रुपए डेवलपमेंट के नाम पे पर्सनल दिए जा रहे हैं, क्या नहीं वहां हुआ पंजाब गवर्नमेंट इन्वॉल्व, धांधली फायरिंग अभी रोजाना के हिसाब से वहां पे इलेक्शन कमीशन जो है वो खामोश तमाशाई बना फिर रहा है। ये तो एक डिफरेंट इशू है, शाह साहब के पास चलते हैं। मुझे पीटीआई का स्टांस समझ नहीं आता, पहले रोते थे कि सारी डेवलपमेंट लाहौर में हो रही है और बाकी पंजाब को छोड़ा हुआ है, अब एनए 120 का जब इलेक्शन आ रहा है कहते हैं यहाँ को डेवलपमेंट ही नहीं हुई, ये बता दें कि कौन सी बात सही है। शाह साहब एक और इम्पोर्टेंट इशू है वो मैं आपसे जरूर ऑरेंज ट्रेन के अंदर पैसे अपने डालने के लिए कि ये भी एक बड़ा ये डिबेट चल रही है कि सादिक और अमीन वाली और 62 पे आज भी हारिस साहब ने बात की है कि 62 की जो डेफिनेशन है, एक तो ये वो मेरा ख्याल है इशू आ रहा है कि किस नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए और कोर्ट ने ये तस्लीम किया है कि ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं हो सकता, इस पे एक तायुन होगा, और दूसरा ये है कि ये जो कोर्ट ने 62 को अप्लाई किया है पीएम नवाज शरीफ के कॉन्टेक्स्ट में उस पर क्या व्यू है। देखिए ये एक कमी रह गई है या तशनेगी रह गई है आईन में, ख़ास तौर पे जब चले जयाउल्लाह की बात तो हम नहीं करते, वो तो डिक्टेटर था उसने जिस अजाइम से भी किया, लेकिन इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का ही कसूर है कि जब पीपल्स पार्टी के हुकूमत में 2010 में 18th अमेंडमेंट हो रही थी, ये जो पार्टियां थी ये कह रही थी कि इससे इसको अमेंड करें, इसको रिफॉर्म करें, वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट, गेट रिड ऑफ इट या रिफॉर्म करें, तो नवाज शरीफ साहब ही थे जो उस टाइम बड़े चैंपियन बने हुए थे कि नहीं ये बड़ा जरूरी है और हम इसके लिए अपनी लाशें बिछा देंगे, इसको तब्दील नहीं होने देंगे, तो 62-63 को अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब जो आज 62-63 है, आप कोई गैर इखलाकी जुर्म में पकड़े जाए आप सजा हो जाए आपको, 5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जो 62 के अंडर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जिस तरह ये कामा वाला मामला है, सारी उम्र के लिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सारी उम्र की, क्योंकि टाइम लिमिट को डिफाइन ही नहीं है, टाइम लिमिट अब डिफाइन तो होने जा रही है या नहीं होगी, कोर्ट नहीं कर सकता, अब उसमें होगा ये कि आईन में या तो अमेंडमेंट करें, आईनी अमेंडमेंट करें या फिर कोई इन्फ्रेंस कर दे, लेकिन आज एक जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि हमने कहां कहा है कि ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया भी नहीं ना, नहीं दिया तो जब कोई लिखा नहीं होगा तो फिर यही समझ तो क्या उनके पास ये जा सकते हैं ये अपील में कि जी आप इसको डिफाइन करें, कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, 62 को 63 के साथ मिला के पढ़ ले तो कोई ना कोई इन्फ्रेंस निकाल सकती है, और दूसरी बात यह है कि फिर राइट टू पॉलिटिकल लाइफ एक फंडामेंटल राइट भी है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी साथ मिला के कोर्ट बिल्कुल, जिस तरह असफ यार वली केस में आप देखें नैब ऑर्डिनेंस जब आया था तो उसमें राइट टू बेल नहीं था, खास तौर पे बैन किया हुआ था कि है ही नहीं, वो बेल नहीं मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने असफ यार वली केस में कहा कि नहीं ये इतना फंडामेंटल राइट है कि हम कहते हैं कि इसमें इंप्लाइड होगा और आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में जाके बेल ले सकते हैं, तो इस तरह की इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट कर सकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक इतना वेग 62 को पढ़े, ये तो सादे कमीन की बात है, उसमें भी लिखे कोई इस्लामी शुआर के मुताबिक, हाँ जी अगर उसकी रेपुटेशन ठीक नहीं है, नमाज नहीं पढ़ रहा, एक्जेक्टली शुआर के मुताबिक नहीं करते वो डिस्क्वालीफाई। अब अगर कोई पिटीशन आ जाए मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगली दफा वजीर आजम बन जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हो तो कहेंगे जी पिछले या कोई भी शख्स हो वजीर आजम कि पिछले साल फजर की नमाज इन्होंने नऊजुबिल्ला वो उनसे कजा हो गई, तो इस्लामी शुआर के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी,
तो कल इस पर भी फिर एक सुप्रीम कोर्ट तलवार चलाएगी और डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो बात ये अगर मैं कहता हूं कि ये चीज कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूं इस मुल्क में हुक्मरान करप्ट हो। ये क्वालिटीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये आपके हल्के के आवाम जानते हैं कि आप कितने सादिक हैं, आप कितने इस्लामी शुआर के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा कैंडिडेट चूज करना आपके अवाम की जिम्मेदारी है, आपके अवाम की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में आपने जो गुफ्तगू सुनी है हमारे मौजूद मेहमानों की, वो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील जो PMLN ने दायर की है उसके हवाले से थी, और आपने व्यूज सुन लिए कि क्या इम्कानात तो बहुत कम है कि PMLN को कोई इसमें रिलीफ मिल सके या सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले में कोई जोहरी बुनियादी तब्दीली कर ले। लेकिन PMLN के हमारे जो मेहमान हैं उनका ख्याल है कि इस फैसले के बावजूद और इस सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील जो है इसके मुस्तरद होने के बावजूद उन्हें सियासी तौर पर कोई असर उसके ऊपर मुरतब नहीं होगा, जबकि PTI के हमारे जो मेहमान हैं उनका ख्याल है कि इनके ऊपर बहुत इसके असरात मुरतब होंगे और पॉलिटिकली इनको बहुत नुकसान होगा। इसके साथ ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपने मेहमानों जनाब चौधरी असदुररहमान साहब, अमजद अली ख़ान साहब और बैरिस्टर मसरूर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।